एफसी एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का 8वां इजलास, तवील एजेंडे पर गौर, मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और सूबाई हुकूमतों की मंसूबों पर पेशरफ्त और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। वजारत खजाना की एपेक्स कमेटी को सूबों को मुंतकिल होने वाले मामलात के मुश्तरका अखराजात पर ब्रीफिंग। एफबीआर की एपेक्स कमेटी को टैक्स नेट में इजाफे के लिए असलाहत पर ब्रीफिंग दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। एसआईएफसी एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का 8वां इजलास में तवील एजेंडे पर गौर, मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और सूबाई हुकूमतों के मंसूबों पर पेशरफ्त और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना की एपेक्स कमेटी को सूबों को मुंतकिल होने वाले मामलात के मुश्तरका अखराजात पर ब्रीफिंग। एफबीआर की एपेक्स कमेटी को टैक्स नेट में इजाफे के लिए असलाहत पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत एसआईएफसी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा निगरान सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा भी शरीक थे। मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और सूबाई हुकूमतों ने अपने मनसूबों पर पेशरफ्त और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी और एफबीआर ने एपेक्स कमेटी को टैक्स नेट में इजाफे के लिए इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी, जबकि पावर डिवीजन की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम और दो RLNG पावर प्लांट्स की निजकारी और डिस्कोस मैनेजमेंट में निजी शोबे की शमूलियत पर ब्रीफिंग दी गई। और वजारत IT, पेट्रोलियम, गजाई तहफ़, आबी वसाइल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी मुख्तलिफ मनसूबों पर कमेटी को ब्रीफ किया।